हम गैया हाँकने जा रहे थे, जब हमने देखा मेरी, हमने तो ये कुत्ता समझा था। अच्छा, फिर हम जा रहे थे, भाग गया, टंडा मारा हमने पीछे, जब तक भागने वाले थे उन्होंने हमारी कमर पकड़ के गिरा लिया। पीने में फंसी हुई थी तो हमने उनसे कहा आप बराबर वाले घर में कूद जाओ, जाके शेर आ गया है। क्या हो कि आपके सामने एक खूंखार तेंदुआ आ जाए और आप अपनी जान बचाने के लिए भाग भी ना पाए। अब एक बार गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों को। खिड़की के अंदर दहाड़ मारता ये तेंदुआ उस समय लोगों की जान के लिए आफत बन गया जब शिकार की तलाश में वो रिहायशी इलाके में आ घुसा। सिर्फ रिहायशी इलाके में घुसा ही नहीं बल्कि एक 12 साल के करीब बच्चे को शिकार बनाते बनाते रह गया। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र का है, जहां पर तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। सबसे पहले तेंदुए को गांव के ही एक बच्चे ने उस वक्त देखा जब वो खेत में अपनी भैंस को चराने गया था। बच्चे ने कुत्ता समझकर तेंदुए को डंडा क्या मारा, तेंदुए ने बच्चे पर ही हमला कर दिया। तेंदुआ आया जमा में। अच्छा, आपने देखा? हाँ, मतलब सबसे पहले आपने देखा था। हाँ, आप क्या कर रहे थे वहाँ? हम गैया हाँकने जा रहे थे, जब हमने देखा मेरी, हमने तो ये कुत्ता समझा था। अच्छा, फिर हम जा रहे थे, भाग गया, डंडा मारा हमने। तो आप अकेले थे, कोई और भी था आपके साथ? हम अकेले थे। अच्छा, डंडा मारा उसने, हम पीछे जब तक भागने वाले थे उन्होंने हमारी कमर पकड़ के गिरा लिया मैंने। अच्छा, तो आपको काट लिया? हाँ। अच्छा, फिर आप कैसे आए वहाँ से? फिर हम खड़े होकर जब बज गया ना वो छत्ते को फलंग कर जब आए हम। अच्छा, तो फिर वो तभी चला गया था वहाँ से? कहाँ, गाँव की तरफ या बाहर की तरफ? गाँव की तरफ। अच्छा, गाँव में आ गया अंदर। वहीं जब लोगों ने उसे देखा तो वह जान बचाते हुए गांव की ओर भागी। इस दौरान तेंदुआ एक घर में अचानक जा घुसा, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों की जान आफत में आ गई। घर के अंदर लोगों ने खुद को बचाने के लिए आनन फानन में किचन के अंदर खुद को बंद कर लिया, तो वहीं दूसरे लोगों ने घर के बाहर के दरवाजे इसलिए बंद कर दिए कि कहीं तेंदुआ बाहर ना भाग जाए। ये 9:30 बजे की घटना है। फिर ये अंदर की तरफ भाग गया है, किसी ने गौर नहीं किया इसका। फिर ये हमारे घर की तरफ गया, फिर उधर से फिर वापस किया इसने। फिर मैं घेर से आ रहा था, मैं इसके पीछे पीछे, तो ये एक मतलब पड़ोसी के घर में घुस गया है, तो उसमें मैं पीछे ही पीछे गया हूँ। तो उसमें उनसे मैंने बताया, वो मजाक समझ रहे थे, तो फिर उनको उनने देख लिया, तो उन्होंने तुरंत किवाड़ बंद कर लिया, तो बाहर से मैंने किवाड़ बंद कर दिया। गांव में तेंदुआ होने की खबर जैसे ही पूरे गांव में आग की तरह फैली, आनन फानन में स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। इटावा लॉयंस सफारी से लेकर अलीगढ़ रेंज के अधिकारियों को इसके लिए बुलाया गया, जिसके बाद देर रात के वक्त तेंदुए को सकुशल पकड़ लिया गया। लेपर्ड यहाँ पे सुबह जो आ गया था, उसको एक घर में चला गया था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और लेपर्ड सेफ है। लगभग 3 से 3.5 साल की उम्र का है और लगभग अभी हम क्योंकि बाकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन 60 से 65 किलो का जानवर है और स्वस्थ है। सारे पंजे वंजे दांत सब उसके सही हैं और उसको रेस्क्यू करके अब रिवाइव करके हम गांव से बाहर ले जा रहे हैं। वहीं जैसे ही तेंदुए को बेहोश करके सुरक्षित बाहर निकाला गया, उसके बाद उन 3 लोगों से भी बात की गई जो तेंदुए के डर से घर की किचन में छिप गए थे। वैसे किचन की दीवार तोड़कर उन्हें पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, क्योंकि किचन के दरवाजे में अंदर की तरफ से कोई कुंडी ही नहीं थी। 3 लोगों में से सुनीता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को घर से बाहर भेज दिया था और कहा था कि हमें मर जाने दो, लेकिन तुम बाहर निकल जाओ। 9:45 बजे के करीब और आने के बाद में उसने छलांग लगाई थी, तो मैं कमरे से निकल रही थी किचन की तरफ, तो वो मेरे ऊपर पड़ा था एकदम धार सी लेके, तो मैं किचन में ही घुसी चली गई थी। मैं एकदम डर गई थी उससे बहुत बुरी तरह से, और फिर किचन में बंद कर लिए। ये हमारे घर वाले थे, उनको भी मैंने अंदर ही बंद कर लिया। बेटी मेरी जीने में फंसी हुई थी तो हमने उनसे कहा आप बराबर वाले घर में कूद जाओ, जाके शेर आ गया है। तो जब आपको देखा कि शेर आ गया था, आप पीछे में चली गई थी, तो फिर उसका दो शेर कहाँ चला, लेपर्ड कहाँ चला गया था? वो तुरंत कमरा में ही घुस गया था। अच्छा। हाँ, मेरे साइड से होके गया यूं करके, जैसे ही मुझ पे भैरा के पड़ा तो मैं भागी थी ढक्का लेके, तो वो तुरंत ही कमरा में घुस गया। कमरा बंद कर दिया था? नहीं, बंद नहीं कर पाए थे, इतना मौका ही नहीं दिया उसने, हम तो किचन में ही बंद हो गए। तो कब आपने सूचना दूसरे लोगों की दी और पुलिस पुलिस कब आई? और ये पड़ोस वालों ने दिया, हमने कहा था पड़ोस वालों के किच्ची मार रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने ये कही तुम आप निकलो, मैंने कि हम नहीं निकल पाएंगे, शेर है इसमें और आप जाओ, हम मर रहे हैं, मर जाने दो, पर लेकिन हमें जिसी में रहेगा। वहीं इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल आखिर वही रहा कि तेंदुआ शहरी इलाके में आया कैसे और क्यों। जब हमने इसको लेकर तेंदुए को पकड़ने आए इटावा लॉयंस सफारी से रेंज ऑफिसर अशोक कुमार से बात की, तो उन्होंने जो कहा वो बेहद ही महत्वपूर्ण और झटका देने वाला था।
उनकी जो पुनर्वास की डिस्टर्ब की वजह से, क्योंकि जो जंगलों को हम पक्के मकान बना रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा लास्ट में, वो शहर की आबादी तब ये इजी गोइंग जो आसानी से भोजन प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए जो शहरों की तरफ रुख करते हैं, जो छोटे जानवरों को रुख करते हैं, बड़ा जानवर है जैसे टाइगर है, लॉयन है, ये तो बड़े जानवर करेंगे, छोटे जानवरों के लिए इंसान जानवर मिल नहीं रहे तो इंसानों को रुख करते हैं। ऐसे में भले ही हम इस प्रकार की घटनाओं पर हाय तौबा मचाएं, लेकिन सच तो यही है कि इस विपदा की जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इंसानों ने जंगलों को चीरते हुए अपने आशियाने तो बना लिए, लेकिन जंगली जानवरों की संपदा के लिए कुछ नहीं सोचा। फिलहाल तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया है और उसे सकुशल जंगल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस घटना से एक बच्चे की जान जाते जाते बच गई। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।